Dear student, welcome to my channel. Today I am going to discuss about the structure of plastid. Plastids are the cytoplasmic organelles found in most plant cells and few organisms like Euglena. They perform important biological activities like the synthesis of food and storage of carbohydrate, protein and lipid. They occur in most plant cells and euglenoids, but they are absent in bacteria, cyanobacteria, and fungi and animals, in which the chromatophores are found. Chromatophores are found instead of chloroplast or plastid. Plastid के जगह पर इसमें chromatophore होता है. Actually, all the plastids are formed from a colorless proteinous substance called proplastid. Proplastids. How does the formation of the different types of plastid takes place? Later on, we shall discuss. हम लोग आगे देखेंगे, अभी नहीं. अभी हमको देखना है कि plastids से कितने type होते हैं. The term plastid was introduced by E. Haeckel in 1866 and it was used by Skimper in 1885. Skimper classified the plastids on the basis of their structure, pigment and function. So plastids are classified into three groups. Leucoplast, chromoplast and chloroplast. Actually, leucoplast are the colorless plastid. Yeah, colorless plastid hai, and it is found in the root tips or root cells and in the underground part of the stem. जहाँ light नहीं रहता है वहाँ पर, जहाँ पर photosynthesis की जरूरत नहीं रहती है, light के root के अंदर हो गया, ground underground surface पर जितने भी parts होते हैं वो सबों में leucoplast ही पाया जाता है. And leucoplast is only for the storage of food. या क्या करता है, food को store करता है. तो on the basis of the storage of different types of food, it is further categorized into three groups. इसको फिर से तीन भाग में बांटा गया है. What are they? They are amyloplast, elaioplast and alluroplast. Amyloplast store starch. यह स्टार्च का स्टोरेज करता है. इसका मतलब जितने भी स्टार्ची फूड है सब में एमाइलोप्लास्ट है. एज फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, राइस, व्हीट, इस सब में एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी फूड है सब में स्टार्च पाया जाता है, इसलिए इसको स्टार्ची फूड कहते हैं. दूसरा है एलियोप्लास्ट. इट स्टोर वाइल एंड फैट. यानी जो वाइल और फैट का स्टोर करता है वो लिकोप्लास्ट का एलियोप्लास्ट है. तो आप थोड़ा सोचिए, कास्टर सीड हो गया, उससे तेल निकाला जाता है, मस्टर्ड सीड हो गया, इवन द एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, इट ऑल्सो कंटेन्स एलियोप्लास्ट. एंड द लास्ट वन इज एल्यूरोप्लास्ट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटियोप्लास्ट. एंड इट ऑल्सो स्टोर द प्रोटीन. यह प्रोटीन को स्टोर करता है, इसलिए इसको प्रोटियोप्लास्ट भी कहते हैं. एल्यूरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट भी कहा जाता है. अब हम आपको क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताएंगे. ये हो गया लीकोप्लास्ट. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट इन डिटेल अबाउट द क्रोमोप्लास्ट.
क्रोमोप्लास्ट इज द कलर्ड प्लास्टिड. इट कंटेन द फैट सोलेबल कैरोटीनॉइड्स. कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड कंटेन्स कैरोटीन एंड कैरोटीन एंड जेंथोफिल. जेंथोफिल कैरोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड एंड ऑरेंज कलर. रेड एंड ऑरेंज कलर एंड जेंथोफिल्स फॉर एलो कलर. एलो कलर क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट द कलर ऑफ द सर्टन रीजन ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर पेटल्स ऑफ फ्लावर फ्रूट कलर. दीज कलर्स आर डेवलप्ड बाय द क्रोमोप्लास्ट. इन इनिशियल कंडीशन शुरू में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे फ्रूट होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं. बाद में वो क्या होता है कि वो बाद में टर्न हो जाता है रेड में. तो ग्रीन टर्न इंटू रेड, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट गेट कन्वर्टेड इंटू क्रोमोप्लास्ट. तो इसी तरह से कलर में जब चेंजिंग आता है तो वो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है. जैसे टोमेटो का कलर इनिशियल ग्रीन है, बाद में रेड हो जाता है. तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है टोमेटो का कलर में, लाइकोपेन, लाइकोपेन इज द क्रोमोप्लास्ट विच टर्न द टोमेटो ग्रीन टू रेड. तो इस तरह चिली का कलर होगा, हर एक में क्रोमोप्लास्ट पाए, मतलब कलर के लिए क्रोमोप्लास्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है. अब यदि मैं कुछ अलगी का बात करूं तो अलगी में जो रेड अलगी होता है, तो रेड अलगी में जो पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट उसको बोलते हैं क्लोथ्रो क्लोरो क्लोरोरिथ्रिन एंड क्लोरोसाइनिन. क्लोरोसाइनिन इस तरह से यह होता है रेड अलगी में पाया जाता है. तो यह जो है दिस इज क्रोमोप्लास्ट, दिस इज क्रोमोप्लास्ट. एंड क्रोमोप्लास्ट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं. क्रोमोप्लास्ट को दो भाग में बांटा गया है, द रोडोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट एंड फियोप्लास्ट, फियोप्लास्ट. तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड फ्रूट. तो इसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ वी शैल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. तो इसके स्टडी के पहले मैं आपको बता दूं कि हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ लिकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट टेक्स प्लेस. तो मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी प्लास्टिड होते हैं सबका फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोप्लास्टिड से होता है. प्रोप्लास्टिड, प्रोप्लास्टिड इट इज ए कलरलेस प्रोटीन. कलरलेस प्रोटीन यानी ये इट इज एबल टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड. इसमें पावर होता है कि यह डिवाइड कर सकता है और फिर यह डिफरेंशिएट करके अलग अलग तरह का प्लास्टिड बनाता है. तो प्रोटोप्लास्ट यह बनाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, और फिर जो प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है उससे भी बनता है क्लोरोप्लास्ट. यानी प्रोटोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट बन सकता है. सिमिलरली द प्रोटोप्लास्ट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लिकोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट से फिर लिकोप्लास्ट बनता है, लिकोप्लास्ट. और दिस इज क्रोमोप्लास्ट. तो क्रोमोप्लास्ट का फॉर्मेशन या तो प्रोटोप्लास्ट से होता है, या तो क्लोरोप्लास्ट से होता है, या तो आपका लिकोप्लास्ट से होता है. लेकिन क्रोमोप्लास्ट का फॉर्मेशन क्रोमोप्लास्ट से नहीं होता है. तो ये चीज हम लोगों को याद रखना चाहिए. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब हम लोग को क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानना है. तो क्लोरोप्लास्ट, द टर्म क्लोरोप्लास्ट वॉज गिवन बाय द ग्रीव एंड लीवेनहॉक, एंड आफ्टर दैट इट वॉज स्टडीड बाय डेट्रोचेट्स सॉच एंड मेयर. इन्होंने इसके बारे में स्टडी किया. एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट
is the green coloring pigment found in all green plants and all green algae, and a unicellular organism called Euglena. It is one of the very important plastids of the plant because it performs the function of photosynthesis and it makes the plant autotrophs. So we shall discuss in detail about the structure and function of chloroplast. Shape of the chloroplast vary from cell to cell. In higher plants, generally it is oval or circular in outline, it is spherical in shape, it is discoid or biconvex or plano-convex in shape. But the other form of the chloroplast are like cup-shaped, reticulate, spiral or ribbon-like, and stellate shape, etc. These are the different types of shape. So cup shapes are found in Chlamydomonas. Chlamydomonas. In reticulate shape found in case of Pseudogonium. Spiral in Spirogyra. Stellate in Gyzenema. Similarly, collar shaped in Eulothrix. So these are the different shapes found in the different types of plant. Now we shall discuss about the number of chloroplast. The number of chloroplast vary from cell to cell. Har ek cell mein iska number alag alag hota hai. Jaise main bataun ki higher plant cell mein iska number 20 to 40 hota hai. Hai nahi iska number aapka क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है. लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें इसका नंबर बहुत ही कम होता है. जैसे वन इन क्लेमाइडोमोनास में इसका नंबर वन होता है. इन केस ऑफ यूलोथ्रिक्स में भी इसका नंबर वन होता है. इसके बाद यदि हम स्पायरोगायरा की बात करें, स्पायरोगायरा इंडिका में इसका नंबर वन होता है. लेकिन स्पायरोगायरा रेक्टी स्पायरा इसमें इसका नंबर 1 to 16 तक हो सकता है. तो नंबर वेरी करने लगता है. इन केस ऑफ हायर प्लांट सेल्स इट्स नंबर मे बी 20 to 40. और यदि हम इंटर कैलरी सेल ऑफ कारा देखें, कारा में इंटर नोडल सेल ऑफ कारा, तो इसका नंबर मोर देन 100 से भी ज्यादा आता, मोर देन 500. तो द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आल्सो वेरी फ्रॉम सेल टू सेल. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का यदि हम साइज देखते हैं, तो इसका साइज सपोज दिस इज क्लोरोप्लास्ट, तो इसका जो साइज होता है, तो इसका थिकनेस 2 to 4 माइक्रोमीटर एंड इसका डायमीटर 5 to 10 माइक्रोमीटर तक होता है. तो दिस इज द साइज. तो हम लोग साइज देख लिया, शेप देख लिया, नंबर हो गया है. नाउ वी शैल डिटेल डिस्कस अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब हम लोग इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे. तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, द क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है. लाइक दिस, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इन स्मूथ. इसका दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होता है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने देखा था कि
इसका आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ था लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो था वो इनफोल्डेड था। लेकिन यहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इन द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं। इट इज फिल्ड विथ ए वाटरी फ्लूइड एंड द आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स लेस प्रोटीन, सो इट इज हाईली परमेबल टू सॉल्यूट्स एंड मेटाबोलाइट्स। इट ऑल्सो कंटेन्स ए प्रोटीन दैट इज कॉल्ड पोरिन्स एंड पोरिन मेक द प्रोटीन चैनल इन बिटवीन द लिपिड बाय लेयर, सो इट इज हाईली परमेबल इन कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। द थिकनेस, ये दोनों मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है, तो इसका थिकनेस होता है 75 to 100 angstrom एंड द पेरीप्लास्टिडियल स्पेस यानी इसके बीच का जो गैप है इसका जो ये है 100 to 120 angstrom, ये होता है इसका, ये मेजरमेंट थोड़ा याद रखने का। अब है कि इनर मेम्ब्रेन कंटेंस मोर प्रोटीन, सो इट इज लेस परमेबल, इट इज सेलेक्टिवली परमेबल, इट अलाउ ओनली द इंपॉर्टेंट मटेरियल टू पास एंड इट ऑल्सो कंटेंस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सो दैट द लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स इंटर्स कैन इंटर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द मैट्रिक्स, मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आता है, इनसाइड में माइटोकॉन्ड्रियल बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्पेस में आता है। अब है मैट्रिक्स, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द सेकेंड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इट कंटेन्स द इंटीरियर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड विथ द प्रोटीन कोलाइडल कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, प्रोटीन कोलाइडल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड मैट्रिक्स एंड इनसाइड द मैट्रिक्स एम्बेडेड द वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक द ग्रेन्यूल्स, डीएनए, आरएनए एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस। मैं आपको लिख के बताता हूँ कि कौन कौन सा इसमें एम्बेडेड रहता है। तो इट कंटेन्स, मैट्रिक्स में जो होता है तो इट कंटेन्स, पहले मैं डायग्राम बना दूँ, राइबोसोम दिट इज कॉल्ड 70S टाइप राइबोसोम लाइक प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टिडो राइबोसोम। यह बहुत ही एक्टिव होता है और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। दिस इज सर्कुलर डीएनए एंड दिस डीएनए इज कैपेबल टू रेप्लिकेट एंड ट्रांसक्राइब, सो इट ऑल्सो परफॉर्म द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड दिस इज द स्ट्रक्चर इट मेक द क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस था इसी तरह इसको भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बनाता है। एंड इट कंटेन्स द अदर ग्रेन्यूल्स लिपिड ग्रेन्यूल्स प्रोटीन ग्रेन्यूल्स स्टार्च ग्रेन्यूल्स ये सब चीज पाया जाता है। एंड मैट्रिक्स कंटेन्स ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन और फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जितना फोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम्स चाहिए सारा का एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में पाया जाता है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन दिस इज सेट विद रूबिस्को दैट इज कॉल्ड रूबिस्को राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज लेज एंजाइम्स, इट इज द लार्जेस्ट एंजाइम्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा यदि कोई एंजाइम्स है वर्ल्ड में तो ये राइबुलोज ही है।
and it plays very important role in the dark reaction during carboxylation. तो ये हो गया मैट्रिक्स का कि क्या क्या, और ये है डीएनए, इसका कॉपी 4 to 6 कॉपीज इसका यहाँ पाया जा सकता है, एंड दिस इज राइबोसोम, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स सम मेटेलिक आयन्स लाइक, इसे मैट्रिक्स में जो जो होता है, तो मैट्रिक्स को हम लोग स्ट्रोमा भी बोलते हैं, स्ट्रोमा. इट ऑल्सो कंटेन्स द मेटेलिक आयन्स लाइक Mg, Mn, copper, Fe, cobalt, etc. These are the divalent ions found. और ये सब सारे ions इसमें होते हैं. जितने भी proteins होते हैं, all the proteins are soluble in the matrix. सारे matrix में घुले हुए होते हैं. Now, we shall discuss about the other important structure. This is called grana. द इनर मेम्ब्रेन. अब क्या होता है, अब हम लोग स्टडी करेंगे ग्राना का. ग्राना होता क्या है, तो यहां हम लोग देखें ये जो इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन में दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन. तो इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग होता है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड, जिसको इन्वेजिनेशन कहते हैं, इन्वेजिनेट टू फॉर्म प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेकॉइड. इस तरह का स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं थैलेकॉइड. और ये सब इनर मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से ही बना है, बाद में ये सेपरेट अलग अलग हो जाकर के इस तरह से यह एक के ऊपर दूसरा क्वेन की तरह अरेंज हो जाता है, और इस तरह के अरेंजमेंट के बाद दिस इज सेड टू बी थैलेकॉइड, तब इसको थैलेकॉइड कहते हैं. इसका नंबर जो होता है, अब एक लेटर ऑन इट बिकम सेपरेट फ्रॉम द मेम्ब्रेन, आइदर अटैच और सेपरेट, यह सेपरेट भी हो सकता है और यह अटैच भी रह सकता है, यह दोनों हो सकता है. सपोज करो कि इसको आप अटैच भी रख सकते हैं, और इस तरह यह स्ट्रोमा में फैला रहता है, इट इज एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में यह पड़ा हुआ है. दिस इज सेड विद द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यह क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट है, बिकॉज इट फॉर्म द लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर द लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन के लिए यही लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करता है. हाउ डज, हम लोग देखेंगे. अब है क्या, जो इसका एक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, और ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड मेक ए ग्राना, सिंगलर में ग्रैनम और ग्रुप में ग्राना कहते हैं. तो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर करीब 40 to 60 नंबर्स ऑफ ग्राना होते हैं, और एक ग्राना में 1 to 100 तक थैलेकॉइड हो सकता है. जो थैलेकॉइड आप देख रहे हैं, ईच थैलेकॉइड, हर एक थैलेकॉइड को यदि हम देखें, तो इट इज इंटरकनेक्टेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ दिस लेमेला. दिस इज सेड टू बी, चूंकि यह स्ट्रोमा में एक तरह से तैरता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेला. स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं या लेमेला कहते हैं, स्ट्रोमा लेमेला. दिस इज ऑल्सो सेड विद द थैलेकॉइड लेमेला, चूंकि यह थैलेकॉइड का ही एक्सटेंशन है, तो यह एक दूसरे को एडजेसेंट ग्राना को यह जोड़ता है. इसको भी हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा लेमेला और थैलेकॉइड लेमेला. अब यदि हम एक को निकाल लें, तो दिस इज द वन थैलेकॉइड, एंड थैलेकॉइड इज ऑल्सो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता, उसी तरह यह बाउंडेड होता है. एंड द स्पेस इनक्लोज बाय द थैलेकॉइड इज कॉल्ड इंट्रा थैलेकॉइड स्पेस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लोक्यूलस, एंड इट कंटेन द सेमी फ्लूड एंड मोबाइल एलिमेंट्स फॉर ETS और मोबाइल कंपोनेंट फॉर ETS. इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड contains the group of
द क्लोरोफिल पिगमेंट, बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स का ग्रुप होता है जो इसके मेम्ब्रेन में अरेंज होता है। नियर अबाउट 230 यूनिट्स ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट्स यूनाइट टू मेक क्वांटोसोम। ये क्वांटोसोम बनाता है, करीब करीब 230 एटम्स होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट का, ऐसा ग्रुपिंग होता है। दे आर सेड टू बी क्वांटोसोम। और इस क्वांटोसोम में एक्चुअली रियल में यदि देखा जाए तो क्या क्या होता है, तो क्वांटोसोम में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, साइटोक्रोम बी एंड एफ, साइटोक्रोम बी एंड एफ एंड एटीपेज, एटीपेज कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन एंड जेंथोफिल, जेंथोफिल्स। दीज आर अरेंज्ड इन सच ए वे दे मेक ए स्ट्रक्चर लाइक द लाइफ हार्वेस्टिंग सिस्टम, या लाइफ हार्वेस्टिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। एंड दे ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इन टू द केमिकल एनर्जी। एक्चुअली यहां जितना भी आप देख सकते हो, इसमें जो क्लोरोफिल ए है, दिस इज द मेन क्लोरोफिल, एंड जितना भी क्लोरोफिल पिगमेंट है वो सारा जो भी सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, फाइनली दिस इज द सेंटर, क्लोरोफिल ए इज द मेन सेंटर ऑफ ट्रैपिंग द सोलर रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड क्वांटा, एंड इट कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और इसी को बोलते हैं क्वांटोसोम। दिस इज सेड टू बी क्वांटोसोम, क्वांटोसोम कहा जाता है। अब यदि मैं थोड़ा सा और आगे देखूं तो ये जो क्वांटोसोम है ये बनाता है PS1 फोटोसिस्टम 1, PS1 एंड PS2। तो PS1 में क्या होता है कि P700 माइक्रोमीटर वेवलेंथ का जो आता है सोलर रेडिएशन, वहां पर जितने भी क्लोरोफिल के सब यूनिट्स होते हैं, दैट सब यूनिट्स ट्रैप द सोलर रेडिएशंस अप टू द वेवलेंथ 700 वेवलेंथ को पकड़ता है। और PS2 में जो होता है वो 680 माइक्रोमीटर्स वेवलेंथ का जो लाइट वेव आता है उसको वो ट्रैप करता है, इसलिए इसको बोलते हैं PS1 एंड PS2। बट बोथ आर क्लोरोफिल ए, दोनों क्लोरोफिल ए ही है, यानी ये भी PS1 में क्लोरोफिल ए है एंड ये भी क्लोरोफिल ए है। अब क्या है कि ये जो देख रहे हो कि दिस इज द वन थैलेक्वाइड एंड दिस इज द सेकेंड वन, ये दूसरा थैलेक्वाइड है। तो एक थैलेक्वाइड एडजेसेंट थैलेक्वाइड के साथ जो सटता है, एक दूसरे से जो सटा रहता है, और ये साइड जो है ये साइड फ्री है, तो ये साइड में डायरेक्ट या मैट्रिक्स से टच करता है और ये साइड बिल्कुल एक दूसरे से सटा रहता है। ये ग्राना है, और ग्राना से एक थैलेक्वाइड को मैं ले लूं तो इस तरह से एक फर्स्ट थैलेक्वाइड और ये सेकेंड थैलेक्वाइड, ये थर्ड थैलेक्वाइड, तो थैलेक्वाइड आपस में जो दूसरे थैलेक्वाइड से जुड़ा हुआ है, जो सटा हुआ है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड ए प्रेस्ड पार्ट, ए प्रेस्ड पार्ट। और जो थैलेक्वाइड का पार्ट मैट्रिक्स से सटा हुआ है, दिस इज सेड विद द स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट, नॉन अप्रेस्ड पार्ट। तो इसका मैं इसको आपको इसलिए बताया कि जो अप्रेस्ड पार्ट है और नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, तो PS1 जो है ये स्टार्ट होता है नॉन अप्रेस्ड पार्ट से, PS1 यानी फोटोसिस्टम 1 जो है वो नॉन अप्रेस्ड यानी कि मैट्रिक्स पार्ट से, जिसको हम लोग बोलते हैं आपको स्ट्रोमा, स्ट्रोमा पार्ट से इधर से शुरू होता है और अप्रेस्ड पार्ट से शुरू होता है फोटोसिस्टम 2। इस तरह से इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्रेनम, इसको दो भागों में बांटा गया था, ग्रेनुलर और ए ग्रेनुलर। रेड एल्गी में चूंकि एक ही ठो केवल थैलेक्वाइड होता है, या तो उसमें थैलेक्वाइड हुआ या तो स्ट्रोमा लैमिली होता है, तो उसमें पूरा ग्रेनम होता ही नहीं है। तो ऐसा सेल
जिसके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होते ही नहीं है, ऐसे क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं ए ग्रेनुलर, और जिसमें ग्राना होता है, जैसे रेड एल्गी में ए ग्रेनुलर होता है। तो जिसमें ग्राना होता है क्लोरोप्लास्ट को उसको ग्रेनुलर, जिसमें ग्राना नहीं होता उसको ए ग्रेनुलर कहते हैं। फिर जो है जितने सी4 प्लांट हैं सब में दोनों तरह का ग्रेनुलर और ए ग्रेनुलर, और जो सी3 प्लांट है उसमें केवल ग्रेनुलर टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस तरह मैंने डिटेल आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, आप लोग अच्छा से स्टडी करें।